मैंने तुम्हें अपने घर के जल पात्रों में जल भर के रखने के लिए कहा था ना? हाँ सुंदरी, हाँ मैंने आपके आदेश का पालन किया है, किंतु ये बताइए कि आपकी योजना क्या है? अब मैं अपने विष का प्रयोग करूंगी। कृष्णा की चतुराई का दंड समस्त गोकुल को भुगतना होगा। समस्त गोकुल को किस बात का दंड? कृष्णा को शरण देने के दंड स्वरूप मैं समस्त जल स्रोत विषैले कर दूंगी। किंतु सुंदरी, उस गोकुल में मेरा परिवार भी रहता है, उनका क्या होगा? मूर्ख, इसीलिए तो मैंने तुम्हें जल पात्रों को भरने का आदेश दिया था ना। अब मेरे विष से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। क्षण भर में इसका रंग सामान्य हो जाएगा। अब किसी को ज्ञात नहीं होगा कि इस जलाशय में विष है। अब देखना उस कृष्ण के साथ समस्त गांव नष्ट हो जाएगा। कान्हा, मैं जानता हूँ तुमने तालाब के जल को विषरहित कर दिया है, क्योंकि उस जल से अब तक किसी को क्षति पहुँचने की सूचना नहीं आई है। तुमने ये किया कैसे? विषम भरा, तुमने मेरे भोले भाले गोकुल वासियों को बीच में लाकर बहुत गलत किया है। श्री, ये तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिए। मेघों की गर्जन, ऐसी गर्जन तो मैंने जीवन में पहली बार सुनी। यह साधारण वर्षा नहीं, यह विश्व वर्षा है।
इसकी वर्षा। महाराज लगता है विश्वमरा का दांव उल्टा ही पड़ गया। महाराज ये जरूर उस छलिए कृष्णा की चाल है। कृष्णा कृष्णा तो कृष्णा मेरे महल पर विष की वर्षा करेगा। कृष्णा विश्वमरा को अभी शिक्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जी महाराज। लगता है इस पृथ्वी पर रहने से तेरा मन भर गया है। तू कहे तो क्षण भर में तुझे पाताल भेज दो। महाराज मुझे अनुमान ही नहीं था कि वो बालक इतना धूर्त होगा। यही तो कहा था मैंने, यही कहा था कि वो साधारण बालक नहीं है, फिर कितने शूरवीरों का वध किया उसने। यही कहा था ना तूने कि ये तेरे भाई आपका खेल है, तो वध क्यों नहीं किया तूने उसका? तो मैं तुझे एक अवसर दूंगा, यदि इस बार तूने उसका वध नहीं किया तो क्षण भर में पाताल भेज दूंगा तुझे। जीवन में पहली बार मेरे सामर्थ्य को किसी ने ललकारा है। महाराज नष्ट कर दूंगी मैं नंद और कृष्णा को, नष्ट कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। माया रचूंगी कि तू मेरा विष देख भी नहीं पाएगा कृष्णा। विजय भाव। मैया मुझे इस कन्या के साथ थोड़ा खेलने का मन है। मैं कुछ क्षण इसके साथ एकांत में खेलूं? हाँ काना तुम इसके साथ खेलो, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। विश्वमरा तुम्हारी दो भारी त्रुटियों को मैंने क्षमा कर दिया है, किंतु स्मरण रहे तुम्हारी तीसरी त्रुटि को मैं क्षमा नहीं करूंगा। वचन दिया है मैंने तुम्हारे कंस मामा को कि मैं तुम्हें और तुम्हारे समस्त गोकुल को समाप्त करके रहूंगी। ये सत्य है कि मुझसे दो बार त्रुटि हुई है, किंतु तीसरी बार तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारा अंत करूंगी कृष्णा, अंत करूंगी। मेरी ये अंतिम चेतावनी थी विश्वमरा, किंतु तुम नहीं मानोगी। मामा श्री के हर दूत की भांति तुम्हें भी मरने की बहुत लालसा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी ये लालसा भी मैं अवश्य पूरी कर दूंगा। मुझे चुनौती देगा? आकार देखा है अपना, कहां मैं और कहां तुम? लगता है तुम्हारी मृत्यु असमय आने का कारण ढूंढ रही है। हाँ,
मुक्ति का समय आ गया है। कौन हूँ और ये कौन सा स्थान है? तुम्हारा नाम अरुंधति है। एक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए तुमने आश्रम में सर्प छोड़ दिए थे और इससे क्रोधित होकर ऋषि ने तुम्हें विषकन्या बन जाने का श्राप दिया था और तुम्हारा उद्धार मेरे ही हाथों होना था।